जेई मेंस की काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है और लाखों बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुके हैं और सभी लग गए अपने सपनों को पूरा करने। कोई कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा है, कोई मैकेनिकल से कर रहा है, कोई सिविल से कर रहा है और टारगेट सभी का एक है, अच्छी जॉब लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं KMS करियर TV। आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि बीटेक के साथ साथ आगे अपने फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करें और वो क्या प्लानिंग आपकी होनी चाहिए जिससे क्या है ईजी वे में आपको जॉब मिल जाए। जब जॉब की बात होती है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला टेक्निकल जॉब, दूसरा नॉन टेक्निकल जॉब। अब इसमें भी दो ऑप्शंस होते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर में टेक्निकल जॉब ढूंढ रहे हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में टेक्निकल जॉब ढूंढ रहे हो। अब दोस्तों, यदि हम बात करें इंजीनियरिंग की, तो पूरा टेक्निकल पढ़ाई है, जो भी आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है, जो आपको बुक्स पढ़ाई जाती हैं, जो आपका कोर्स है पूरा, वो पूरा टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल फील्ड में जाके जॉब सर्च करना तो मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग के साथ साथ या इंजीनियरिंग के बाद नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। लगता है कि टेक्निकल जॉब में तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन नॉन टेक्निकल में अगर वो जाएंगे तो ज़्यादा ईजी वे में कर सकते हैं। तो आज का जो पूरा डिस्कशन है वो इसी बात को लेकर है हमारा। दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कि रेलवे में क्लर्क की वैकेंसी निकलती है और उसी रेलवे में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, तो इसमें ज़रा सोचो कि कौन से लोग फॉर्म भरेंगे। पहला, क्लर्क की वैकेंसी की यदि हम बात करें तो उसमें हर वो इंसान जिसने बीटेक किया है, बीई किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम, एमकॉम, एमएससी, एमए, कोई सा भी कोर्स उसने कर रखा है, अगर वो जस्ट ग्रेजुएट है तो वो फॉर्म डाल सकता है। मतलब लाखों करोड़ों लोग फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन यदि कोई टेक्निकल जॉब आती है, मान लो जूनियर इंजीनियर की जॉब आती है, तो कौन लोग अप्लाई करेंगे? सिर्फ तीन लोग। कौन कौन? या तो पॉलीटेक्निक वाले, या बीई वाले, या फिर बीटेक वाले। तो ये अंतर देखिए कि सिर्फ 3 डिग्री होल्डर्स ही अप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो क्लर्की की वैकेंसी आई है उसी सेम डिपार्टमेंट में, सेम रेलवे में, वहाँ पे क्या है, कोई भी डिग्री होल्डर है, वो चाहे बीटेक वाला हो या बीएससी वाला हो, बीए वाला हो या बीई वाला हो, सारे लोग वहाँ पे फॉर्म डाल रहे हैं, तो भीड़ वहाँ पे ज़्यादा होगी। अभी एक रिपोर्ट भी आई थी, उस रिपोर्ट में क्या था, उसमें साफ साफ लिखा था कि अभी भोपाल मंडल में एक वैकेंसी आई थी लगभग 17,000 क्लर्क की, और उन 17,000 वैकेंसीज के लिए लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। 1.5 करोड़ लोग, मतलब जेई मेंस की भी यदि हम बात करें तो 10-11 लाख लोग उसमें बैठते हैं, और उसके बाद करीब 10,000 लोगों को IIT बड़े आराम से मिल जाती है और 43,000 लोगों को लगभग गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि 17,000 सीटें हैं और जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, वो लगभग 1.5 करोड़ है। तो आप ज़रा सोचिए कि कॉम्पिटिशन कितना बढ़ जाता है। वहीं अगर हम टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो उसमें आप देखिए कि एक जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 4.5 लाख लोग अप्लाई कर पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप पूरा अंतर इसमें देख रहे होंगे कि कहाँ 4-4.5 लाख लोगों में से लोग चुने जाने हैं और कहाँ 1.5 करोड़ लोगों में से कुछ लोग चुने जाने। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आप बीटेक कर रहे हो और अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने जाना है, तो टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब लेना थोड़ा सा आसान होता है नॉन टेक्निकल की अपेक्षा, और उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि जब आप बीटेक कर रहे हो तो आपको वही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं जो टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाने हैं, लेकिन जब आप बीटेक कर रहे हो तो वहाँ पे नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब के से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाया जाता है। यानी कि अगर आप नॉन टेक्निकल को चूज़ करते हो बीटेक के बाद, तो आपको सारे सब्जेक्ट खुद से तैयार करने होते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि मतलब जो बीटेक की आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका तो कुछ यूज रह ही नहीं गया उसमें। जब आप बीटेक करते हो और अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में टॉप लेवल पे जाना है टेक्निकल जॉब में, तो आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं कि जैसे IES मतलब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आप गेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, गेट में अप्लाई करने के बाद और उसे क्वालीफाई करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप IIT जाके MTech करो, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप PSU जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लो ट्रेनिंग के बाद। इसके अलावा आप स्टेट लेवल पे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वो क्वालीफाई करके आप जा सकते हो। इसके अलावा SSC JEE की वैकेंसीज आती हैं, उसमें अप्लाई करके वहाँ पे आप टेक्निकल जॉब के लिए जा सकते हो। एंड इन सारी जॉब्स में दो चीज़ें हैं, एक तो सैलरी बहुत अच्छी है, दूसरी चीज़ें हैं कि जब आप बीटेक में पढ़ रहे हो तो वही सारा सिलेबस होता है जो बीटेक में आपने पढ़ा है, वही सारा सिलेबस वहाँ पे पूछा जाता है, और सारा भी नहीं पूछा जाता है। यदि हम मोटा मोटा यदि हम कैलकुलेट करें तो पूरे बीटेक के दौरान आपको 48 बुक्स पढ़ाई जाती हैं, एंड उन 48 बुक्स में से ज़्यादा 14 या 15 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट क्या है आपको वहाँ पे टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या है पूछे जाते हैं। इसके अलावा बाकी के सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते हैं। और जबकि अगर मान लो आप नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर दो तो उन 48 में से कोई भी सब्जेक्ट वहाँ पे नहीं पूछा जाना है, आपको सारे सब्जेक्ट खुद से रेडी करने हैं। तो मैं समझता हूँ कि बीटेक में आप कुछ तो पढ़ोगे ही, और जो आप पढ़ोगे तो उसे थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, देन आप अप्लाई करोगे तो आप ईजी वे में सेलेक्ट वहाँ पे हो सकते हो। एक तरीका और है पढ़ने का,
देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप पूरा बीटेक में मौज मस्ती करिए और जब बीटेक फाइनल ईयर आ जाए, जब एक साल या छः महीने बचा बीटेक खत्म होने में, तब आप जागिए और फिर वो सारी किताबें पढ़ना शुरू करिए जो आप पिछले चार साल में आप पढ़ के अलग कर चुके थे, पिछले तीन साल में पढ़ के अलग कर चुके थे। क्यों? क्योंकि अब भाई फाइनल ईयर के साथ एग्ज़ाम देना है। और एक ऑप्शन और है, दूसरा ऑप्शन और है, वो ये है कि अब हर साल, जैसे मान लो बीटेक फर्स्ट ईयर की हम बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर की, तो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास लगभग 6 या 7 सब्जेक्ट होंगे और उन 6 या 7 सब्जेक्ट में से 2 या 3 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि उन 7 सब्जेक्ट में से उन 3 सब्जेक्ट को उठाओ और किसी भी पर्टिकुलर टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस उठाओ, उन दोनों को मैच कराओ, जो टॉपिक उस बुक से मैच कर रहे हैं उस सिलेबस के, उसे टिक आउट कर लो। जब क्लासरूम में आपके पढ़ाई हो तो उन टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ लो आप, और उन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें थोड़े से और अच्छे से आप सॉल्व करते हुए चलो। आप ऐसा अगर हर सेमेस्टर में करते रहोगे तो हर सेमेस्टर में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा और 4 साल बाद इकट्ठा वर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा। हर सेमेस्टर में आप दो तीन बुक्स अपने, दो तीन सब्जेक्ट अपने रेडी करते रहोगे, एट लास्ट जब आप फाइनल ईयर में आ जाओगे तो आपके लगभग सारे सब्जेक्ट रेडी होंगे जो किसी भी बड़े टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाने हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो इस हिसाब से यदि आप प्लानिंग करेंगे तो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर से फाइनल सेमेस्टर पहुंचते आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी और मे बी के आपका सिलेक्शन भी ईएस या गेट वगैरह में किसी अच्छे एग्जाम में हो जाए और आप एक अच्छे अधिकारी के तौर पर हमारे देश को सेवाएं दें। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी प्लानिंग होती है जो हम आपको टाइम पे बताते रहेंगे अपने अनुभव के अकॉर्डिंग। सो ये बात थी गवर्नमेंट सेक्टर की। अब मान लो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेनी है टेक्निकल फील्ड में, अब मान लो आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हो तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनोगे। देखो आपके पास चॉइस है, पहली चॉइस है कि आप सॉफ्टवेयर में जाओगे, दूसरी चॉइस है कि आप वेब डेवलपमेंट में जाओगे या नेटवर्किंग में जाओगे या फिर हार्डवेयर में जाओगे। सो सबसे पहले क्या है, आप चूज़ करो कि आपको उन चारों में से किस में जाना है। फिर आपको जिसमें भी जाना, मान लो आपको सॉफ्टवेयर में जाना है तो फिर उससे रिलेटेड आप कोर्सेज करो, उससे रिलेटेड आप चीज़ें सीखो, एंड जब 4 के 4 साल आप वो चीज़ें सीखते रहोगे तो क्या है, ओवरऑल जाके आप वो चीज़ अचीव कर लोगे जिसके लिए आप घर से आए थे कॉलेज में। और देखिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको जाना दिल्ली है और आप मुंबई की ट्रेन ले लो आप दिल्ली पहुंच जाओगे। भाई अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली के रास्ते ही निकलना पड़ेगा। सेम इसमें है, यदि आपको मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही चीज़ें सीखनी होंगी। यदि आप हार्डवेयर वाले ट्रेनिंग से लोगे, हार्डवेयर वाली यदि आप चीज़ें सीखोगे तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन पाओगे। और यदि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो उस हिसाब से फिर आप तैयारी करो। मेरे कहने का मतलब है कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका ये क्लियर होना चाहिए कि क्या है आपको कहाँ जाना है। लेकिन क्या है, टफ होता है कि भाई किस बेसिस पे डिसाइड करें, लेकिन क्या है कि हर किसी का एक माइंडसेट होता है, तो उस माइंडसेट को अपने पैशन को थोड़ा सा फॉलो करो। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा नॉर्मल रहो चीज़ों को, लेकिन पढ़ते रहो प्रॉपर वे में, एंड जब सेकेंड ईयर में आप जब आप आओगे तो आपको प्रॉपर वे में पता होगा कि कहाँ क्या हो सकता है, देन उसके हिसाब से फाइनल डिसीजन लेके फिर आप आगे के डायरेक्शन अपने तय कर सकते हो। ओवरऑल यदि मैं फाइनली बात बोलूं तो ये बहुत जरूरी है डिसाइड करना कि आप सबसे पहले चूज करो कि आपको किस सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है प्राइवेट में जाना है। गवर्नमेंट में जाना है तो किस में जाना है, टेक्निकल में नॉन टेक्निकल में। प्राइवेट में जाना है तो किस सेक्टर में जाना है, टेक्निकल में या नॉन टेक्निकल में। और अगर जिसमें भी जाना है, फिर अगर मान लो टेक्निकल में जाना है तो फिर चूज़ करो कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, हार्डवेयर में जाना है, या फिर वेब डेवलपमेंट में जाना है, या नेटवर्किंग में जाना है। तो मतलब जिसमें भी आपको जाना है, जिस भी फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को सीखना शुरू कर दो। आपके बारे में कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसका आंसर करेंगे। और यदि आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें, और एजुकेशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट में रजिस्टर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग KMS Career TV।